सके। प्रभु ये बीमारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ प्रभु आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे रहा है। जिसको शुगर की बीमारी है और जिसको सांस की बीमारी है, बार बार सांस की बीमारी, सांस में प्रॉब्लम आ जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, मरने के जैसी आपकी हालत हो जाती है, आज से ये सांस की बीमारी के बंधन आपके ऊपर से परमेश्वर तोड़ रहा है। प्रभु की महिमा कीजिए। सारा शरीर में दर्द रहता है, हर एक कपड़े कपते ठीक लग रही। अभी तंदुरुस्त है, दर्द नहीं है कोई। हाथ पैर आगे पीछे ऊपर नीचे हिला के देखिए, पैरों को हिलाइए ऐसे करके। हाँ हाँ ऐसे कीजिए मेरे साथ, हाथों को ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। कैसे लग रहे अभी? कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। जी मुझे अपने सागर में लड़ने हुआ है। मैं हमेशा लड़ने की कोशिश करती थी, दो चार दिन जीत जाती थी, फिर ऐसा होता था जैसे सभी परिवार के साथ लड़ पड़। आज मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे करंट लगा हुआ है और मेरे आंखों के सामने बिजलियां कड़क रही हैं जो लाल लाल हैं। मेरे हाथ पांव ऐसे मुड़ गए थे जैसे मुझे सीधे ही नहीं हो रहे थे, जैसे सीधे करने की कोशिश कर रही थी, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने परिवार के लिए अच्छी साबित हो सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा दर्द अब गायब हो चुका है जो मुझे अभी भी रुला रहा है। हालेलुया। कितने दिनों से रहता था ये? 3 साल। और अभी कैसे लग रहा है मेरी बहना? अब बहुत कम है। कम है? हाँ। चेक करके देखो कम है या चला गया? देख देख देख, चेक करके देख एक बार, कैसे महसूस करा? फीलिंग देख कैसे लग रहा है? बस सिर घूम सिर हां। कल की मैं जवान नहीं चल रही थी, जब भी मैंने प्रार्थना करवाई मैं जब से बोलने लगी प्रभु को धन्यवाद। सुना आपने, इस बेटी की जुबान बंद थी कल से, और इसको हॉस्पिटल में से लेके आए हैं। सुनिए, इस बेटी की जुबान बंद थी और इसको हॉस्पिटल में से लेके आए हैं, और ये अब आपके सामने बोल सकती है। हालेलुया, अभी आपके सामने बोल सकती है। जोर से हालेलुया बोलो बेटा। हालेलुया। सभी को मेरी जय मसीह की जी। मैं सुनोली गांव से आई हूँ, मुझे अनेक परेशानी और दुखों में घेरा हुआ है। आज मेरे पास प्रभु ने खुला और मुझे चंगाई मिली है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की जी। हालेलुया। ये नाड़ को दुखे दिया था जी, ये मेरे नाड़ी को ठीक है, अब तो मैं दर्द था जी मेरा को ठीक है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया हालेलुया। मैं बचपन से ही मेरी टांगों में और कमर में दर्द रहता था और सिर में भी, और आज प्रभु ने मुझे चंगा किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहन के जीवन में कुछ ऐसे बंधन हैं, कुछ ऐसी बातें इस बहन के जीवन में हैं, जब तक ये उस उन बातों से फिरेगी नहीं, इनके परिवार का छुटकारा नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम से सारे अंधकार को, गंदी आत्मा जो इनके घर में बंधन डालते हैं, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ और तुझे आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़ो, निकल ऐसे, चल निकल निकल यीशु के नाम से।
छोड़ दीजिए यीशु के नाम से खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे सारे अधिकारों को मैं रद्द करता हूँ और तुझे हुक्म देता हूँ स्त्री को छोड़ो निकल यहाँ से चल निकल आउट 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 Lift your hands and worship Him, the King of Heaven. Swarg ke parmeshwar. जो ईसा मसीह जी की सत्संग है जी और
जब पास्ट जी ने मेरा नाम लिया और मेरे बारे में कहा कि जिसको चश्मा लगा हुआ है, मेरे को खुशी और उत्साह महसूस जरूर हुआ था। एक तरीके से कोई जोश आ गया था मेरे शरीर में और मेरे को थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा था, खुशी भी महसूस हो रही थी। और मैंने चश्मा उतारा, 8-9 नंबर का चश्मा था जी मेरा। अच्छा अच्छा, हम कितनी दूर से देख नहीं सकते? तकरीबन मैं तो नज़दीक से भी नहीं देख सकता था जी, ठीक तरह से। वहाँ बीच में मुझे ये बताइए कितने हाथ खड़े हैं? आपकी कमर में कई सालों से दर्द रहता था, आज आप चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आ चुकी है। सुनीता तुम्हारे जीवन को परमेश्वर बदल रहा है। मेरी बहन, तुम्हारे शरीर जो बोझ रहता था आज वो जा चुका और बहुत जल्दी परमेश्वर तेरे जीवन में अपना काम करेगा और तू परमेश्वर की गवाह बनेगी। आज पास्टर जी ने मेरा नाम लिया तो मेरा परमेश्वर ने मुझे छुआ और सारा सारा बोझ भरता हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्या नाम है? सुनीता। सुनीता, मुझे प्रभु ने बताया था सुनीता है एक बहन का नाम और वो कई आज परमेश्वर इसके जीवन में आशीष कर रहा है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है और तुम्हें बैठने और उठने में बड़ी समस्या होती है, आज प्रभु तेरे घूमे हुए मन को तो रीढ़ की हड्डी को मंडे होते हैं परमेश्वर ने उन्हें नॉर्मल कर दिया है। आपको अपनी जगह पे आ चुके हैं, आप चेक करके देख लीजिए। जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो क्या वो उठ बैठ सकता है? क्या वो जंप कर सकता है? क्या वो दौड़ सकता है? दौड़िए, देखिए, दौड़िए मेरे साथ, देखिए, दौड़िए 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 मेरे पैर में जी बहुत गर्माहट रहती थी और पसीने बहुत आते थे पैर में। हाँ, तो आपने कब से थी आपको ये बीमारी? मेरी बहुत सालों से थी से कहा जो भी मेरे नाम में विश्वास करते हैं उन सबके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे और यदि वो नासक वस्तु पे जाए तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। अभी तो झूठ झूठ। मुझे 8 महीने से यहाँ दर्द होता था और मुझे अल्ट्रासाउंड करवाए मैंने और डॉक्टर ने मुझे 2 पैर जोड़ी बताई और ऑपरेशन भी लिख दिया था उन्होंने और पास्टर जी ने प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली और रिपोर्ट दोबारा फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया कि नॉर्मल ही आई रिपोर्ट, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, मेरे यीशु मसीह ने इनको चंगा कर दिया है और ये इनकी रिपोर्ट है। और दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में कोई रिसोरी नहीं थी। हालेलुया, मेरे यहाँ पर दर्द था और जो अभी मेरे दांत में सन्नाटा था उल्टा एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। अभी कैसे लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। अभी पास्टर जी ने मेरा नाम लिया था कि जैसे मैं ही हूँ वो जैसे मेरे यहाँ दर्द था
मेरी ये मेरे दर्द बहुत टाइम का था, मैंने अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि मेरे दर्द रहता है। तो आज परमेश्वर से वो नाम छुपा नहीं रहा, परमेश्वर ने मेरा नाम बताया कि मेरे दर्द था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं महसूस पहले करता था कि मेरे दर्द था, अब बिल्कुल ठीक। कितने साल से बीमारी थी? तो चार साल इलाज करवाया गया, ऑपरेशन करवाया गया। उसके बाद में चार गांठे दोबारा फिर से बन चुकी है। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के बाद भी, डॉक्टर ने ये बोला था इस साइड में चार गांठे, चार रसोड़ियां और बन चुकी हैं। और आज अजी चेक करके देखिए, आपको गांठे दिखाई दे रही है? नहीं लग रहा है? आज बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, ये किसने किया? यीशु मसीह ने। ये किसने किया? यीशु मसीह ने किया। मेरे कान मेरे सर बेहतर था जी, अब प्रेशर ठीक है जी, और बलगम भी कुछ ठीक है जी। धन्यवाद। कब से रेशा बेहतर है आपके कान में? ये चार पांच साल तक चला, कुछ बीच में ठीक हो जाता था जी, फिर हो जाता था जी, मतलब ऐसे चलते रहता था जी। अभी आपको कैसे महसूस हो रहा है? अभी मेरे को बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है जी। रेशा कहाँ है आपका? रेशा तो अब गायब हो गया जी। गायब हो गया रेशा, गायब ही हो गया।